नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इनकम टैक्स रेट के बारे में सुनते ही चार दल लोगों के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। दोस्तों आइए जानते हैं इनकम टैक्स रेट की पूरी प्रक्रिया के बारे में, जिसमें विक्टिम को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और आईटी अधिकारी के क्या अधिकार होते हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आईटी डिपार्टमेंट की रेड हमेशा ऐसे समय पर पड़ती है जब व्यक्ति को इसका अंदाजा न हो, संभलने का मौका न मिले। रेड की टाइमिंग अक्सर सुबह या देर रात होती है। छापा मारने वाली टीम अपने साथ एक वारंट लेकर भी आती है। रेड के दौरान आईटी अधिकारियों के साथ पुलिस और कभी कभी अर्धसैनिक बल भी उपस्थित रहते हैं, जिससे किसी अनहोनी को टाला जा सके। यह प्रक्रिया 2 से 3 दिन तक चलती है। इस दौरान घर या दफ्तर के अंदर मौजूद लोग बिना आयकर अधिकारियों की इजाजत के बाहर नहीं जा सकते। सबको एक जगह पर बिठाया जाता है। आयकर अधिकारी घर में रखे पैसे, ज्वेलरी इत्यादि को जब्त करते हैं, दस्तावेज तलाशते हैं, लैपटॉप, फोन, कंप्यूटर को अपने कब्जे पे ले लेते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं आयकर अधिकारी क्या जब्त नहीं कर सकते। आयकर अधिकारी बिक्री में रखे गए माल को जब्त नहीं कर सकते, सिर्फ अपने दस्तावेजों में नोट कर सकते हैं। आयकर अधिकारी किसी ऐसी नकदी को जब्त नहीं कर सकते जिसका लेखा जोखा उस कंपनी आदमी के पास मौजूद है। स्टॉक के रूप में रखे गए आभूषण और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय उनकी लिस्टिंग हुई है तो आयकर अधिकारी उन्हें जब्त नहीं कर सकते। यदि कोई करदाता संपत्ति कर जमा नहीं कर रहा है तो उसके घर की शादीशुदा महिलाएं अपने पास 500 ग्राम सोना रख सकती हैं, अविवाहित लड़कियां 250 ग्राम और हर आदमी 100 ग्राम सोना अपने पास रख सकता है। आयकर विभाग को रेड के दौरान घर से इस सीमा के अंदर सोना प्राप्त होता है तो वो उसे जब्त नहीं कर सकता है। दोस्तों आइए जानते हैं आयकर छापे के दौरान विक्टिम के क्या अधिकार होते हैं। आयकर अधिकारियों के पास मौजूद वारंट और उनके पहचान पत्रों की जाँच का अधिकार उस व्यक्ति को है जिसके यहाँ छापेमारी की कार्यवाही होनी है। यदि आयकर टीम महिलाओं की तलाशी भी लेना चाहती है तो सिर्फ महिला आयकर कर्मी ही कर सकती है, वह भी सम्मान के साथ। व्यक्ति या कंपनियों को गवाह के तौर पर मोहल्ले के 2 सम्मानित लोगों को बुलाने का अधिकार है। इमरजेंसी होने पर डॉक्टर को भी बुलाया जा सकता है। बच्चों का स्कूल बैग चेक कराकर उनको स्कूल भेजने का अधिकार है। लोगों को नियत समय पर खाना खाने का अधिकार है। पंचनामा की एक प्रति मांगने का अधिकार है, क्योंकि यह स्टेटमेंट उस व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों अब हम जानते हैं इनकम टैक्स रेट पड़ने के दौरान विक्टिम को क्या करना चाहिए। छापा परिसर घर या ऑफिस में बिना किसी बाधा और विरोध के आयकर अधिकारियों को घुसने देना चाहिए। छापा परिसर में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति या प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ऑफिस या घर में मौजूद सभी लोगों से अपने रिश्ते के बारे में आयकर अधिकारियों को अवगत कराना चाहिए। संपत्ति से जुड़े दस्तावेज आयकर अधिकारियों को सौंपना चाहिए। जरूरत पड़ने पर लॉकर की चाबी भी दे देनी चाहिए। इनकम टैक्स रेड के दौरान किसी भी दस्तावेज को मिटाने, फाड़ने या नष्ट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। रेड के दौरान आयकर अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए। शांतिपूर्वक हर सवाल का जवाब देना चाहिए। इनकम टैक्स रेट से जुड़ी हुई यह पूरी प्रक्रिया जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।